नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लौट आए अपने चैनल सक्सेस फाउंडेशन पे और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से ऑनलाइन जो है हम डिजिबल सर्टिफिकेट बना सकते हैं। विकलांग सर्टिफिकेट बनाने के लिए दोस्तों हमारे पास ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको गूगल में जाके आपको UD और ID लिखना है और उसके बाद आपको सर्च कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके पास यूनिक डिजिबिलिटी ID डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर्सन के लिए एक ऑप्शन खुल जाएगा। दोस्तों, यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से यूनिक डिजिबिलिटी ID को क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे दोस्तों क्लिक करेंगे तो आपके पास होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे कि अप्लाई फॉर डिजिबल सर्टिफिकेट एंड UDID कार्ड के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। दोस्तों, इस डिजिबल सर्टिफिकेट के अप्लाई के लिए कोई भी पर्सन कर सकता है, चाहे वो विलेज लेवल का हो या ब्लॉक लेवल का या डिस्ट्रिक्ट लेवल का या स्टेट लेवल का या नेशनल लेवल का। दोस्तों, डिजिबल सर्टिफिकेट को अप्लाई यहाँ से कोई भी कर सकता है इस साइट से। तो दोस्तों, मैं आपको इसको अप्लाई करने का तरीका बताता हूँ, अप्लाई कैसे करना है। यहाँ से जाके आपको अप्लाई फॉर डिजिबल सर्टिफिकेट और UDI कार्ड के लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं। और दोस्तों, इसको आप सत्यापन करने के लिए जो है डॉक्टर के पास भी जाना हो तो दोस्तों हमारे पास यहाँ से जो है रजिस्ट्रेशन है, यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों, अगर आपने पहले अप्लाई कर रखा और सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप यहाँ से उसको देख भी सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है, चाहे जो भी है उस पर्सन का नाम डाल देंगे। दोस्तों, हमें जो है इसको कैपिटल लेटर में लिखना है। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ से नाम डाल दिया, इसके अंदर दोस्तों जहाँ पे रेड मार्क है उसका मतलब है कि आपको इम्पोर्टेंट है कि उस चीज़ को फिल ही करना है। तो दोस्तों, उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ से एप्लीकेंट फर्स्ट नेम, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से हिंदी में भी उसको यूज़ करना है। तो दोस्तों, हम यहाँ से नाम डाल देंगे। अगर आप हिंदी में नाम लिख सकते हैं तो हिंदी में नाम डाल दीजिए, अदरवाइज आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद दोस्तों फादर नेम डालना है, जो भी इनके फादर नेम है वो फादर नेम डल जाएगा, मदर नेम जो भी होगा वो डल जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो भी डेट ऑफ बर्थ है उस बच्चे की, वो डेट ऑफ बर्थ इसके अंदर मेंशन कर दी जाएगी। तो दोस्तों, हमने यहाँ से डेट ऑफ बर्थ इसके अंदर ऐड कर दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से सेम वही चीज़ है, आपको हिंदी में भी वापस वही चीज़ लिखनी है, नहीं तो दोस्तों इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉर्मल लिख सकते हैं इंग्लिश में। यहाँ से दोस्तों जेंडर जो भी है वो जेंडर डाल दिया जाएगा, जो भी उनका फ़ोन नंबर है दोस्तों वो फ़ोन नंबर डाल दिया जाएगा। क्या दोस्तों, अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप ईमेल आईडी डाल सकते हैं, और अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, स्मॉल लेटर में लिखना है। उसके बाद दोस्तों आपके पास आइडेंटिफिकेशन मार्क मांगा जाएगा, आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना है आपको। उसके बाद दोस्तों किस कैटेगरी से है, जनरल है, OBC है, अगर मान के चलिए OBC से है तो आप OBC डाल सकते हैं, अदरवाइज आप जनरल है तो जनरल डाल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपना ब्लड ग्रुप पता है तो आप ब्लड ग्रुप डाल सकते हैं, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड दिखा सकते हैं, अदरवाइज आप अनमैरिड दिखा सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों आपके पास सारे ही ऑप्शन आएंगे। उसके बाद दोस्तों आप मैरिड अनमैरिड या जो भी रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसे भी रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपके पास पूछा जा रहा है रिलेशन विद PWD, पर्सन डिजिबिलिटी हमारे पास नहीं है, अगर आप सेल्फ हैं तो। उसके बाद दोस्तों आपको फ़ोटो लगानी है इसमें, यहाँ से दोस्तों हमने 15 से 30 KB की JPG फ़ोटो लगा दी। और दोस्तों उसके बाद थंब या सिग्नेचर, जैसा कि मैं यहाँ से थंब लगा रहा हूँ दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको आगे की एड्रेस पुटअप करनी है। उसके बाद दोस्तों जो भी इनका एड्रेस है वो हम यहाँ से मेंशन कर देंगे, सेम ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे भी सेम हिंदी में उस चीज़ को पुटअप करेंगे, नहीं तो आप यहाँ से जो भी लिखना चाहें वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से स्टेट आपके पास आ रहा है, स्टेट आप डाल देंगे, डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी पड़ती है दोस्तों उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्ट्रिक्ट डालनी है। उसके बाद दोस्तों जो भी आपका तहसील पड़ता है वो तहसील डाल सकते हैं, हम यहाँ से मॉडल टाउन डाल रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग दोस्तों हमारे पास यहाँ से ऑप्शन आ रहा है, अगर आपके पास विलेज या ब्लॉक नहीं आ रहा है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट को चेंज कर सकते हैं। जैसे ही चेंज करेंगे तो आपके पास विलेज चेंज हो जाएगा। जैसे दोस्तों हमारे पास शालीमार है तो यहाँ से देखिए शालीमार आ रहा है नहीं आ रहा है, हमारा दोस्तों जो विलेज पड़ता है वो पंजाबला पड़ता है, जो विलेज ब्लॉक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से मैं पिन कोड डाल दे रहा हूँ। और उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो है नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट, एड्रेस प्रूफ के लिए आप क्या लगाना चाहते हैं, यहाँ से आपके पास दोस्तों सारे के सारे डॉक्यूमेंट में से कोई एक लगाना है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड। मोस्टली आजकल दोस्तों हर किसी के पास आधार कार्ड में एड्रेस सही रहता है,
अगर आपके पास एड्रेस में आधार कार्ड में, अगर दोस्तों एड्रेस नहीं है सही, मैं आधार कार्ड लगा रहा हूँ दोस्तों, जैसे ही आप आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये आधार कार्ड मांगेगा दोस्तों। अब आपको यहाँ से क्या करना है, 10 से 100 केबी में आपको जेपीजी फोटो डालनी है। अब यहाँ से दोस्तों आपको आधार कार्ड ऐड करना है। अब मैंने यहाँ से आधार कार्ड इसके अंदर 10 से 100 केबी के बीच में डाल दिया है दोस्तों। अगर दोस्तों परमानेंट एड्रेस आपका सेम है तो यहाँ से आप सेम पे क्लिक कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक आपके पास दोस्तों फिल हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। क्वालिफिकेशन डालनी है हमें, उस बच्चे की क्वालिफिकेशन क्या है जो भी डिजिबल है। अगर दोस्तों उन्होंने पढ़ाई नहीं कर रखी है तो नॉन में डाल सकते हैं, और अगर उन्होंने पढ़ाई कर रखी है मिडिल या प्राइमरी जो भी है, उसके अकॉर्डिंग आप यहां से उस एजुकेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो यहां से आपके पास एक ऑप्शन आता है दोस्तों, यहां से आपके पास है कि डू यू हैव डिजिबल सर्टिफिकेट। अगर दोस्तों हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो हम नो कर देंगे, और अगर है तो यस कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से जाके आपको वो प्रॉब्लम आपको यहाँ से शेयर करनी है, डिजिबल टाइप आपकी किस प्रकार की है। अगर आप हैंडीकैप हैं तो लोगो पायलट, अगर आप ब्लाइंड हैं, अंधे हैं तो आपके लिए ब्लाइंड आ जाएगा, या अगर आपके साथ तीन चार प्रॉब्लम है तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों तीनों चारों प्रॉब्लम आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको पूछता है दोस्तों ये आपके पास बचपन से है या हाल फिलहाल में हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास ये ऑप्शन है, आपको दोनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को क्लिक करना है। डिजिबल एरिया दोस्तों कि आप किस एरिए से संक्रमित हैं, तो बॉडी के जिस भी, जैसे कि दोस्तों बूथ हेयर्स, बूथ आइज, तो बूथ आइज हम लगा देते हैं, बूथ आइज में प्रॉब्लम है इनके दोस्तों। इसके बाद ट्रीटमेंट बोला जाता है कि आप कौन से हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट डिजिबिलिटी लेके बैठे हैं, तो अगर है तो वहाँ से वहाँ का आपको नाम डालना है, जैसे हमने डाल दिया डॉक्टर। उसके बाद दोस्तों आपके पास अगर पेंशन कार्ड है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज नो डाल दीजिए, या एनए लिख सकते हैं आप नो के बदले। यहाँ से दोस्तों डिजिबिलिटी ड्यू टू का मतलब दोस्तों कि आप यहाँ से मेडिसिन लेना चाहते हैं, इन्फेक्शन है या किसके अकॉर्डिंग है, वो चीज़ आप डाल सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को रिलेटेड नहीं कर रहे हैं दोस्तों तो आप इसे, उसके बाद दोस्तों हॉस्पिटल का नाम आएगा कि आप किस हॉस्पिटल में जाना चाह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपके पास नियर अबाउट जो भी है उस हॉस्पिटल का आप नाम को क्लिक करेंगे, और उसके बाद आपको दोस्तों नेक्स्ट कर देना है। तो अब हमारे पास एम्प्लॉयमेंट डिटेल आ गई। अगर दोस्तों वो जॉब कर रहा है तो यहाँ से ऐड कर सकते हो, अगर जॉब नहीं कर रहा है तो इसे आप दोस्तों खाली छोड़ सकते हो। अगर वो बीपीएल ले रहा है या एपीएल के अंदर है तो दोस्तों आप ले सकते हो अंदर से जो भी हो, अगर वो फैसिलिटीज ले रहा है तो उसको आपको ऐड करना होता है दोस्तों। अगर नहीं है तो एन ए आप ऐड करिए, यहाँ से दो ऑप्शन है, अगर नहीं है तो नहीं करना है, जॉब कर रहे हैं स्टूडेंट है तो वो मेंशन करना है, और उसके बाद दोस्तों इनकम डालनी है। अगर इनकम भी आपके पास नहीं है तो दोस्तों आप इसको भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं और उसके बाद नेक्स्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप दोस्तों नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ से दोस्तों आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड मांगा जाएगा दोस्तों। अब इसके अंदर आप जो भी ऑप्शन लगाना चाहते हैं, जैसे जो भी आप आइडेंटिटी प्रूफ के लिए लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, जैसे कि हमने आधार कार्ड लगाया है। यहाँ पे दोस्तों हम प्रूफ के लिए भी सेम ऑप्शन यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको हटा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपने आधार कार्ड क्लिक किया है, आधार कार्ड को ही आपको यहाँ पे अपलोड करना है। आधार कार्ड क्लिक कर लिया दोस्तों, अब आधार कार्ड मैंने यहाँ लगा दिया है दोस्तों। अब यहाँ से आधार कार्ड नंबर मांगा जा रहा है, वो आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ से ऐड करना है। अब दोस्तों आपको यहाँ से आधार कार्ड का नंबर डालना है और आई एग्री विथ पे क्लिक करके, और आपको यहाँ से कैप्शन डालना है दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आपके पास ये कैप्शन आया है, वो कैप्शन आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए और दोस्तों आई हैव एग्री पे क्लिक कर दीजिए। अब मैं दोस्तों आधार कार्ड नंबर डाल देता हूँ, तो दोस्तों मैंने यहाँ से आधार कार्ड नंबर पुटअप कर दिया है। यहाँ से प्रोसेस का ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, फॉर्म आ जाएगा जो कि आपको आई कार्ड या डिजिबल सर्टिफिकेट प्रमाणित करता है, और उसके बाद दोस्तों आपको उस हॉस्पिटल में जाके अपने आप